ईमानदार लकदाहारा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकदाहारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकदियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकदियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकदाहारे के लिए संभव नहीं था। लकदाहारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह अपनी जीविका कैसा चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड्डा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लकदाहारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा, पुत्र तुम्हें क्या समस्या है? लकदाहारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात भगवान को बता दी और उनसे याचना की कि वे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लकदाहारे से पूछा, पुत्र क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकदाहारा बोला, नहीं भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः अपना हाथ पानी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वो सोने की थी। उन्होंने लकदाहारे से पूछा, पुत्र क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकदाहारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है। क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? नहीं भगवान, लकदाहारा बोला, सोने की इस कुल्हाड़ी से लकदियां नहीं कटती। ये मेरे किसी काम की नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। इस बार कुल्हाड़ी देख लकदाहारा प्रसन्न हो गया और बोला, भगवान यही मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकदाहारे की ईमानदारी देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लकदाहारा अपनी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत हुआ।